आपके पास ओप्पो K12 एक्स है, K12 सीरीज़ का कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप ऐप पिनिंग यूज़ कैसे कर सकते हैं फ़ोन में। यहाँ पे अगर आपको ऐप पिनिंग यूज़ करना है तो इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पे स्क्रॉल करके सेटिंग पे, इस टाइप से ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल कर लेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग का, क्लिक कर लेंगे। एडिशनल सेटिंग पे नहीं, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे क्लिक करके स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पे मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है। ऐप पिनिंग पे क्लिक करके इसे ऑन कर देंगे, इसको भी ऑन कर देंगे, बैक कर लेंगे। अब ये होता क्या है कि आपसे कोई फ़ोन मांग रहा है यूज़ करने के लिए, आप उसको पिन करके दे दो ताकि वो आपके फ़ोन में छेड़छाड़ ना करे। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी एप्लीकेशन खोला, मिनिमाइज़ कर दिया ताकि वो टास्क बार में ऐसे करके खुल जाए। अब आप 3 डॉट पे गए, यहाँ पे इसको पिन कर दिया, पिन कर दिया। अब यहाँ पे इसको आप जितना मर्जी उतना यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी ओपन करना है, कोई भी आर्टिकल या कुछ भी सर्च करना है कर सकते हैं, बैक भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से बैक करके होम स्क्रीन पे नहीं जा सकते क्योंकि आपको परमिशन मिली है ये एप्लीकेशन चलाने की, कुछ और नहीं। तो आप देख सकते हैं तीनों बटन काम करना बंद कर देते हैं। तो अब इसको रिमूव कैसे करना है, इस पेज को, तो आपको 2 फिंगर से एक इसको इसको दोनों को एक साथ टच करना है, आपकी मेन स्क्रीन आ जाएगी, आपके फ़ोन का लॉक एंटर करेंगे। अब इस पेज को आप बैक करो, मिनिमाइज़ करो, कुछ भी करो, ये सब काम करने लग जाएगा। ये होता है ऐप पिनिंग, जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखना कि सामने वाले को आपके फ़ोन का लॉक नहीं पता होना चाहिए, वरना वो खोल लेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।